कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है, और डेवलपमेंट मुराद स्पेसिफिकली मैं यहाँ इंटरचेंज की बात कर रहा हूँ। ये इंटरचेंज का जो एग्जिट बूथ है उसको यहाँ पे स्मार्ट सिटी की साइट पे इंस्टॉल करने का काम का आगाज़ हो गया है। मैं भी आपको साइट भी दिखाता हूँ। एक्चुअली इस पॉइंट का मतलब है, ये काम होने के बाद मतलब है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज जो है वो बिल्कुल M2 मोटरवे पे ऑपरेशनल हो जाएगा। राइट नाउ ये मैं एग्जिट पॉइंट पे खड़ा हूँ। एग्जिट पॉइंट को बिल्कुल ऑपोजिट टू एंट्री पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगले एक महीने के अंदर अंदर, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर, ये जो एग्जिट पॉइंट होगा ये भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। फिर कैपिटल स्मार्ट के इंटरचेंज के लिए किसी मेंबर को कैपिटल स्मार्ट, पहले रूटीन में क्या होता था कि आप कैपिटल स्मार्ट की साइड पे इस पॉइंट सेंटर होते थे, इस पॉइंट सेंटर होने के बाद आप फिर दोबारा एग्जिट के लिए यही पॉइंट इस्तेमाल करते थे। इस वजह से चक्री इंटरचेंज का इस्तेमाल रूटीन में आता था कि वहाँ से दोबारा घूम के वापस आना पड़ता था। अब ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट जो हो रहा है इस पॉइंट के बाद, ये बिल्कुल ऑपोजिट हाइट बनता है उसके, तो आपको ये ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ बीच में, मैं दिखा भी देता हूँ ब्रिज। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज से ऊपर साइड से घूम के आप ऑपोजिट साइड पे आएंगे, यानी कि इस साइड पे, और यहाँ पे ये M2 के जो बूथ होंगे, यानी कि यहाँ पे आप टोल टैक्स पे करेंगे एंट्री पॉइंट पे भी और एग्जिट पॉइंट पे भी। फिर किसी पास की ज़रूरत नहीं आपको अभी। राइट नाउ अभी हम साइट पे जब विज़िट करते हैं तो हमें यहाँ पे एंट्री पास रिक्वायर्ड होता है। हम कैपिटल स्मार्ट में विदाउट एंट्री पास एंट्री नहीं ले सकते, और वो एंट्री पास जो है वो मंथली NHA की तरफ से कैपिटल स्मार्ट को 1000 पासिस मिलते हैं। तो रूटीन के एक मंथ के तकरीबन 1000 लोग जो हैं साइट पर रूटीन में आ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ जा सकते। इस पॉइंट के बनने के बाद ये फिर पब्लिक हो जाएगा इंटरचेंज, और इंटरचेंज पब्लिक होने का फ़ायदा क्या होगा, कैपिटल स्मार्ट की साइट पर बहुत ज़्यादा रूटीन के विजिट्स हुआ करेंगे, जिससे कैपिटल स्मार्ट की जैसी बात है फुटफॉल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइसेस में भी इंक्रीज़ आएगा। तो ये पॉजिटिव काम जो है कैपिटल स्मार्ट की साइट पे अभी होने जा रहा है। राइट नाउ आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो मशीनरी काम कर रही है, ये मशीनरी जो है मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिन के अंदर अंदर, मैं यहाँ पे अभी जो साइट इंजीनियर से मिल भी लेता हूँ, चंद दिन के अंदर अंदर यहाँ पर काम मुकम्मल हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी हुआ तो यहाँ पर एक मंथ का टाइम लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ से कैपिटल स्मार्ट की साइट पर ईजी एक्सेस मिल जाएगी, जिसका बेनिफिट मेंबर्स को ये होगा कि जब भी आप साइट पे आएंगे तो आपको बआसानी, यानी कि अगर आप नस्ट इस्लामाबाद से आते हैं तो 15 मिनट की ड्राइव के बाद आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन खबर है उन मेंबर्स के लिए जिनके कैपिटल स्मार्ट में ऑलरेडी अमाउंट्स इन्वेस्टेड हैं, और काफ़ी जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के बाद एक बेतमनानी की सूरत हाल थी मार्केट में, लेकिन ये इंटरचेंज बनने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये कैपिटल स्मार्ट के तमाम मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग कॉलेज कुछ मालूम चाहिए हो, देखे नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।